अच्छा, दिन भर बारिश होती रही थी तो मैंने उससे वादा किया था कुछ अच्छी टिप्स दूंगा। देखो, अच्छी हेल्थ होना जरूरी है एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर होने के लिए। मैंने जिंदगी में बेशुमार टेस्ट दिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 100% मार्क्स आए। कुछ चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है और उसमें डाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप में से कितने लोग हैं जो सुबह शहद पानी पीते हैं? नहीं, अरे यार ये क्या करते हो भाई, सुबह उठते ही नहार मुँह शहद पानी पिया करो। इन दिनों मैं भी नहीं पी पा रहा होता क्योंकि सीज़न है, लेकिन जब सीज़न नहीं होता तो रेगुलर ना पीता हूँ मैं। और अब तो जाहिर है जब से पाँव का फ्रैक्चर हुआ है, योगा मार्शल आर्ट सब छूटा हुआ है, योगा भी मैं रेगुलर करता था, जिसकी वीडियोस आपको मेरी पुरानी मिल जाएंगी चैनल पे भी, फिटनेस वाले चैनल पे भी। फिर उसके बाद जो है ना, आपने क्या करना है, खजूर खाना है सुबह नाश्ते में, बहुत बेहतरीन है, एक दो या तीन जितना आप खा सकते हैं। और उसके बाद मेरे भाई रात को सोने से पहले दूध का गिलास भी पीना है। जी हाँ, दूध का गिलास। और कोई हेल्दी चीज़ है, जी हाँ, एक चीज़ होती है तलमीना, वो अगर आप पी सकते हैं, घर पे बना सकते हैं। घर पे कैसे बना सकते हैं वो इंशाल्लाह ताला कभी मैं आपको अपने हेल्थ वाले चैनल पे बताऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, हज़रत जिब्राइल अलैहि सलाम ने नबी पाक सल्लम को ला के दिया था, बड़े हेल्दी डाइट्स हैं। फिर इस एग्जाम से एक दो दिन पहले क्या करना है, अब जैसा कि दाऊद का टेस्ट 25 अगस्त को है, 23 और 24 अगस्त की रात को ना डट के पढ़ें, पूरी रात जागें, ठीक है, जागें, पानी पीते रहें। और 24 अगस्त को भी रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। लेकिन 25 अगस्त को टेस्ट है ना, अगर एक बात कह रहा हूँ, एक दिन पहले शाम 7 बजे पढ़ना रोक दीजिए। और कोशिश ये करें कि उस वक्त जो भी हल्का फुल्का खाना है वो भी ले लें, टेक पानी भी जी भर के पी लें, और उसके बाद लेट जाएं। कोशिश करें सोने की और नींद आ भी जाएगी क्योंकि अब थके हुए बहुत होंगे। आज जाहिर सी बात है बारिश हुई है और मुझे अब लग रहा है कि नींद आ रही है, और मुझे आप लोगों के लिए बहुत कुछ मटेरियल तैयार करना है, तो अभी तो नहीं सो रहा। लेकिन वैसे एक बात बता रहा हूँ, ताकि जिस दिन टेस्ट हो उससे एक रात पहले जल्दी सोए, खाना पीना भी बिल्कुल रोक दें पीना, ताकि सुबह सुबह आप उठ सकें, फजर की नमाज पढ़ें। और भाई एग्जाम से एक दिन पहले किसी का लेना देना हो तो उसको दे दें, किसी का उधार मत रखें। फिर बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेके जाएं, और एक आध दिन पहले किसी गरीब को भूखे को खाना भी खिला दें। टेस्ट में जाएं, जल्द अज जल्द पहुंचने की कोशिश करें, कोशिश करेंगे अगर उस दिन बस वगैरह में जाते हैं तो रिक्शा या बाइक को कर लें, खुदा न खास्ता बस में जेब कटती है, सब बड़े मसले मसाइल होते हैं, जहनी तौर पर टेंशन हो। पेरेंट्स को भी चाहिए कि अगर उनके बच्चों का टेस्ट है तो घर पे कोई उनको टेंशन ना दें, कभी अम्मा अब्बा की लड़ाई होती है तो टेस्ट में बच्चे सफ़र करते हैं। उसके बाद मेरे भाई आपने एग्जाम वाले दिन किसी से कोई बात नहीं करनी, लोग र्यूमर्स फैलाते हैं, झूठी बातें आ जाती हैं कि पेपर मुलतवी हो गया है या ये आ रहा है वो आ रहा है, झूठे झूठे पेपर भी लोग आउट कराते हैं। खामोशी से एग्जाम में बैठें, पेपर आए उसको गौर से पढ़ते रहें, पढ़ने पे बहुत टाइम लगाएं। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हर एक पे तुक्का लगा दें, और नेगेटिव मार्किंग है तो एहतियात करें। तो ये सारी बातें बड़ी अहम हैं, इन सब की पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और मज़ीद वीडियोज़ फिर मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू।